अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली टीवी की जानिब से मैं हूं आपका अपना अब्दुल सत्तार और आज भी मैं सैड न्यूज़ के साथ ही हाज़िर हुआ हूं। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में हम शहबाज़ गिल के बारे में बात करेंगे, उसकी अब हालत कैसी है, वो कहां है। नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि आपको मालूम है, रात को इस्लामाबाद की पुलिस अडियाला जेल से शहबाज़ गिल को वापस इस्लामाबाद लाई थी। नाज़रीन ग्रामी, इस्लामाबाद की पुलिस शहबाज़ गिल को रिमांड के लिए अपने थाने में लेकर जाना चाहती थी, लेकिन रास्ते में उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और अडियाला जेल से ही वो एम्बुलेंस से ही लेकर आए थे। नाज़रीन ग्रामी, इस्लामाबाद की पुलिस अडियाला जेल से जब वापस इस्लामाबाद पहुँची तो थाने में ले जाने के बजाय उसको इस्लामाबाद के हॉस्पिटल में दाखिल करवाया। नाज़रीन ग्रामी, रास्ते में इस्लामाबाद जाते हुए शहबाज़ गिल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वो हिचकियाँ लेते रहे थे, उनकी सांस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। नाज़रीन ग्रामी, पीटीआई के रहनुमाओं ने आज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि शहबाज़ गिल के अस्पताल में बहुत ज़्यादा प्राइवेट लोग मौजूद हैं। पीटीआई के रहनुमाओं का कहना था शहबाज़ गिल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और ये जो सात लोग मौजूद हैं इनसे शहबाज़ गिल की जान को बहुत ज़्यादा ख़तरा है। नाज़रीन ग्रामी, पीटीआई के रहनुमाओं का कहना था इस्लामाबाद की पुलिस बहुत ज़्यादा ज्यादतियाँ कर रही है, शहबाज़ गिल का जो पूरा जिस्म है वो काला हो चुका है। नाज़रीन ग्रामी, हम अल्लाह पाक से हाथ बांध कर दुआ करते हैं, अल्लाह पाक शहबाज़ गिल की हिफाजत अता फरमाए, अल्लाह पाक पाकिस्तान की हिफाजत अता फरमाए, अल्लाह पाक पाक आर्मी की हिफाजत करे, क्योंकि आर्मी है तो हमारा पाकिस्तान है। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं जल्द न्यू खबर के साथ, अल्लाह हाफिज़।